तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के कट ऑफ के बारे में। लगभग हम सारे स्टेट का कट ऑफ बता रहे हैं। आज हम जिस स्टेट का बात करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के एसएससी जीडी का कट ऑफ जानेंगे, जिसमें कि हम मेल का भी जानेंगे और फीमेल का भी जानेंगे। जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि रिजल्ट आपका कब निकलने वाला है। और फिजिकल के बारे में भी चर्चा करेंगे कि आपको फिजिकल कब करना चाहिए, फिजिकल करना अभी फिजिकल की तैयारी करना भी चाहिए या फिजिकल की तैयारी अभी नहीं करना चाहिए और फिजिकल कब से होने वाला है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मध्य प्रदेश के जनरल कैटेगरी का मेल का कितना कट ऑफ जाने वाला है, मध्य प्रदेश के जनरल कैटेगरी का जो है थोड़ा ज्यादा जाएगा, जो है कि 119 है। कितना है? 119 है। और फीमेल का जो है वो है 118, ठीक है, सॉरी 119 है और फीमेल का जो है वो है 120, ठीक है, फीमेल का जो है वो है 120। यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का थोड़ा ज्यादा कट ऑफ जाता है। मध्य प्रदेश वाले जितने भी अगर मुझे देख रहे हैं तो वो देख लीजिए कि मध्य प्रदेश का थोड़ा ज्यादा कट ऑफ जाता है। क्यों ज्यादा कट ऑफ जाता है अब ये देख लेंगे हम लोग। और अब हम बात करें जनरल मध्य प्रदेश का जनरल कैटेगरी का नक्सल या बॉर्डर एरिया का अगर हम बात करें तो वो होने वाला है 95 और 103। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो फीमेल का यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कट ऑफ जाता है। अब हम बात करने वाले हैं ओबीसी का जनरल एरिया का। ओबीसी का जनरल एरिया का बात करें अगर यहाँ पे 121 जाने वाला है। कितना? 121 और 100, फीमेल का 124। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल से ओबीसी का यहाँ पे ज्यादा गया है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से दीजिएगा, बहुत बच्चे का माइंड सेट रहता है कि जनरल वालों का ज्यादा जाता है, ओबीसी वालों का कम जाता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर हम ओबीसी का बात करें नक्सल या बॉर्डर एरिया का मध्य प्रदेश का, तो वो जाने वाला है 100। कितना? 100। मेल का 100 जाने वाला है और फीमेल का 107 जाने वाला है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एसटी का जनरल एरिया का, एसटी का जनरल एरिया का बात करने वाले हैं तो वो है 85 और 95, ठीक है। ये है 85 मेल का और 95 है फीमेल का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल का थोड़ा ज्यादा जा रहा है और मेल का कम जा रहा है। अब अगर हम उसके बात करें एसटी का नक्सल या बॉर्डर एरिया का बात करें, गेट बंद करो, एसटी का नक्सल या बॉर्डर एरिया का बात करें तो वो है 79 और 87 है, ठीक है। 79 मेल का जाएगा और 87 फीमेल का जाएगा, ठीक है। 79 मेल का जाएगा और 87 फीमेल का जाएगा। अब हम अगर कैटेगरी एससी कैटेगरी के बारे में बात करें तो एससी कैटेगरी का जनरल एरिया का जो जाने वाला है वो है 100 और 108, मतलब 110 है ये और 108 है फीमेल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल का 2 नंबर ज्यादा गया है फीमेल से। अब हम बात करने वाले एससी कैटेगरी के नक्सल या बॉर्डर एरिया का बात करने वाले हैं तो वो है 76 और 93। यहाँ पे देखेंगे कि लड़कों लोग का 76 जा रहा है और लड़कियों का 93 जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही नंबर का ज्यादा डिफरेंस है। और आखिरी में बात कर लेंगे ईडब्ल्यूएस का जनरल एरिया का, तो वो है 95 और 105 है और वहाँ पे 105 है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का भी ज्यादा जाता है, ठीक है। अब अगर आखिरी में बात करें तो वो है 55 और 70, नक्सल या बॉर्डर एरिया का 55 और इसका है 70। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने मध्य प्रदेश के स्टेट का कटअप बता दिया। और रिजल्ट के बारे में बात करें तो रिजल्ट आपका अप्रैल में ही निकलेगा और मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरा यही मोटिव है, ताकि आप लोग फिजिकल की तैयारी करें। बहुत बच्चे क्या होता है कि रिजल्ट निकल जाता है और फिजिकल की तैयारी नहीं करते हैं, और जिनके कारण उनका फिजिकल नहीं निकल पाता और एसएससी जीडी में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ जितने भी बच्चे का रिजल्ट निकल जाए उसमें से जो बच्चे सीरियस है उन बच्चों का फिजिकल भी हो जाए, ठीक है। तो रिजल्ट अगर अप्रैल महीना में निकल जाता है तो उसके 1.5 महीने के बाद फिजिकल होगा, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। तो